सप्ताह से आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव अपनी ही मांगों को लेकर 7 दिन से अनशन पर हैं। तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें SMS अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है, तो वहीं पे उपेन यादव का अनशन भी जारी है। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर के बेरोजगार अस्पताल के बाहर डेरा डाले हुए हैं। इस पूरी खबर पर और भी ज्यादा जो जानकारी के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां इस वक्त हमारे संवाददाता ललित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है इस वक्त पूरे भारत में, और ऐसे में बेरोजगारों का सीधा हॉस्पिटल में पहुंच जाना और वहां पे धरना प्रदर्शन करना, जो इनके मुखिया इस वक्त, उनकी तबीयत कैसी है? जी बिल्कुल प्रीति, आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह से जो 15 सूत्री मांगे हैं उनको लेकर उपेन यादव का आमरण अनशन जारी था। रविवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर ICU में उनको एडमिट कराया, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो प्रदेश भर से बेरोजगार हैं वह इस अस्पताल के बाहर पिछले 2 दिन से डेरा डाले हुए हैं। जहां पहले आमरण अनशन चल रहा था वहां पर इन्होंने डेरा डाल रखा था, तो वहीं अब SMS हॉस्पिटल के बाहर यहां पर जुटे हैं। इसमें अपने रीट लेवल के अभ्यर्थी हैं, नर्सिंग के अभ्यर्थी हैं, जयन भर्ती के अभ्यर्थी मौजूद हैं। ये बेरोजगार हैं जो लंबे समय से अपनी भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने की मांग कर रहे हैं। सुनील मेरे साथ मौजूद हैं, सुनील से जानना चाहेंगे। सुनील, आप पिछले 8 दिनों से उपेन के साथ हैं, किसी प्रकार की कोई वार्ता हुई? देखिए सर, पिछले 7 दिन से उपेन यादव का आमरण अनशन चल रहा है, और अभी तक सरकार के मंत्रियों ने उनकी सुध ली है, न किसी प्रशासनिक अधिकारी ने उनकी सिद्ध ली है। इससे प्रदेश के बेरोजगारों में काफी आक्रोश है, और हम अगर ऐसा ही रहा तो प्रदेश की राजधानी में बड़ा आंदोलन करेंगे और आने वाले नगर निकाय चुनाव में सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। जयन भर्ती के भी कुछ अभ्यर्थी, कितने सालों से आपकी भर्ती लंबित है, क्या मांगे आप? जयन भर्ती हमारे चार साल हो गए, अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है। उस भर्तियों को लेकर के हमारी 15 सूत्री मांग जो बेरोजगारों की है, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। आज 7 दिन हो गए हैं आमरण अनशन पर उपेन यादव बैठे हुए हैं, 3 दिन से अस्पताल में ICU में भर्ती हैं। अगर उनकी जान को कोई भी खतरा होता है, अगर उनको कल को कुछ होता है, तो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसको सरकार को संभालना बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश भर से जो महिला अभ्यर्थी हैं वह भी यहाँ आई हुई हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे, आप पिछले 8 दिन से लगातार यहाँ पर हैं, क्या आपकी मांगे हैं, कौन सी आपकी भर्ती? मैं रीट लेवल 2 की अभ्यर्थी हूँ। पिछले 7 दिनों से उपेन भाई साहब जो हमारे लिए आमरण अनशन कर रहे हैं, 7 दिन तक सरकार, 7 दिन हो गए लेकिन सरकार आके देख भी नहीं रही है। कम से कम उनके हालचाल पूछने तो आई जाते हैं इंसानियत होने के नाते, लेकिन अभी तो कोई भी नहीं पहुंचा है वहाँ पर। मेरी सरकार से इतनी ही गुहार है कि बस उनको संभाल लो और उनकी जो विभिन्न मांगे हैं वो पूरी करें। इसके साथ ही आप लगातार यहाँ बनी हुई हैं, आप कैसे स्वास्थ्य? ललित, जो 15 सूत्री मांगे उपेन की तरफ से रखी गई है, उनमें मुख्य रूप से जो मांगे हैं, जो प्रमुखता से उन्होंने रखा है, वो क्या है? जो प्रमुखता से जो मांगे हैं, जैसे 15 सूत्री मांगे हैं, आपको बता दें कि जो 15 सूत्री जो मांगे हैं उनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूं कि बाहरी राज्यों का कोटा कम करने की मांग हो, चाहे जो लंबित भर्तियां हैं उनको पूरा करने की मांग हो, नई विज्ञप्ति निकालने की मांग हो। अभ्यर्थी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जानना चाहेंगे, आप बताइए कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जिनको पूरा करने की मांग को लेकर यह आंदोलन चल रहा है? देखो सर, हमारी सबसे प्रमुख मांग है रीट लेवल 2 के आगे की लिस्ट निकलवाना। पिछले 6 महीनों से हम लोग दर दर भटक रहे हैं, शिक्षा मंत्री से मिले, उप मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, जबकि शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं उन्होंने कोर्ट से आदेश लाओ, जबकि कोर्ट में ऐसा कोई मामला ही नहीं है। कोर्ट के अंदर सिर्फ इसलिए लगाया कि आगे के जो खाली पद पड़े हैं उन पर लिस्ट जारी कर दो, जबकि हमारे संस्कृत में तो 85% सीटें खाली पड़ी हैं, सामाजिक ज्ञान के अंदर 40% सीटें खाली हैं। इसके लिए हमने बीकानेर निदेशालय के सामने 36 दिन धरना भी लगा चुके हैं, अब इस धरना लगा चुके हैं।